नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी मैं आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर एक ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर आ रही है, जिसके बारे में एक एक डिटेल अब से कुछ क्षणों में हम आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करें इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज से। हिमाचल में विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा वापस लिया है। कहा, सरकार पर कोई संकट नहीं है, आदमी नहीं संगठन बड़ा होता है, विक्रमादित्य सिंह ने कहा। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है हिमाचल प्रदेश में कि बागी विधायकों की अयोग्यता का जो मामला है उसमें विधानसभा स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रखा है। सीएम सुक्खू बोले, विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई हैं। जम्मू कश्मीर में दो गुटों पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की दोनों जमातों को गैर कानूनी घोषित किया गया। सुमजी गुट और बट गुट गैर कानूनी संगठन घोषित किए गए। दोनों संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। बड़ी खबर, महाराष्ट्र दौरे पर पीएम ने किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी कर दी है। पीएम बोले, महाराष्ट्र से अब की बार 400 पार का आशीर्वाद। और शिवाजी महाराज ने सत्ता को नहीं राष्ट्र चेतना को बनाए रखा, प्रधानमंत्री ने कहा। अवैध खनन मामले में अखिलेश यादव को सीबीआई का समन। सीबीआई ने अखिलेश यादव को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। 2012 से 2016 के बीच अखिलेश यादव के सीएम रहते अवैध खनन का मामला। चुनाव आयोग की टीम कल यूपी के दौरे पर जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में यूपी का दौरा। पुलिस अधिकारियों राज्य के चुनाव आयुक्त के साथ बैठक करेंगे। इन सभी खबरों के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग का ओडिशा सरकार को नोटिस। सरकारी विज्ञापन में पार्टी सिंबल इस्तेमाल करने पर मांगा जवाब। विज्ञापनों में शंख चिन्ह उपयोग पर मांगी सफाई। और मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की गई है। मराठा समाज की तरफ से शीर्ष अदालत में केवियट है, कोई आदेश देने से पहले समाज का पक्ष सुनने की अपील। और नफे सिंह हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर कपिल सांगवान ने ली है। लंदन में बैठे गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। कहा, जो मेरे दुश्मन से हाथ मिलाएगा उसका अंजाम यही होगा। इन सभी खबरों के साथ अब आपको कर्टन रेजर में दिखाते हैं। और प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, क्योंकि हम उस ट्रेन एक्सीडेंट की खबर आपको तुरंत बताने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी खबर है। लेकिन पहली खबर, पीएम मोदी ने मिशन गगनयान से जुड़े 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का परिचय विश्व से कराया है। पाकिस्तान क्यों परेशान है, जानना जरूरी है। दूसरी खबर, क्या कर्नाटक में कांग्रेस समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया? बीजेपी के आरोपों का सच क्या है, पड़ताल हम करेंगे। तीसरी खबर, डीएम के सरकार के पोस्टर में भारतीय रॉकेट पर चीनी झंडा क्यों लगाया गया? पीएम मोदी ने क्यों कहा, वैज्ञानिकों का अपमान हुआ। चौथी खबर, 15 टापू, 55 लाख हर रोज की कमाई, 1800 करोड़ की कुल संपत्ति। संदेश खाली के वांटेड शाहजहां शेख पर बड़ा खुलासा दिखाएंगे। और पांचवी खबर, हिमाचल में इतनी सियासी हलचल क्यों है? क्या सीएम सुक्खू की कुर्सी जाएगी? क्या राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलेगा? इन सभी खबरों के साथ, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी चिंताजनक खबर आ रही है, झारखंड के जामताड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ है, 12 लोगों की मौत। बड़ी खबर, ट्रेन की चपेट में आने से 12 लोगों की जान गई है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते पूरी तरीके से बगैर मजाक किए, क्योंकि बहुत परेशान करने वाली खबर है। इसके बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं, ट्रेन में आग लगने की अफवाह से पटरी पर कूदे यात्री, दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए कई लोग। झाझा आसनसोल ट्रेन की चपेट में आकर 12 की मौत। दोनों ब्रेकिंग एक बार दिखाई है, दोनों शॉट्स के साथ। वहां के विधायक इरफान अंसारी ने क्या कहा, यह भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अभी। लेकिन यह तस्वीरें देखिए, इस वक्त की बड़ी चिंताजनक तस्वीरें। क्या कहा वहां के विधायक, आइए देखते हैं। पर ये बहुत बड़ी घटना है, दुखदायी घटना है। इस घटने से मैं काफ़ी मर्माहत हूँ, लोग हमारे सदमे में हैं। मैं अभी जामताड़ा के लिए मैं निकल रहा हूँ। मैंने जैसे ही मुझे मालूम चला, मैं तुरंत जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन से मेरी वार्ता हुई और मैंने युद्ध स्तर पर वहाँ पर काम करने को कहा है, मदद करने के लिए कहा है। घटना घटी, क्यों घटी, कैसे घटी, किसकी लापरवाही है, इसकी जाँच करने का भी मैंने निर्देश दिया है। फिर से मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी घटना है मेरे क्षेत्र के लिए। मैं कल इस मामले को सदन में भी उठाऊंगा और हर संभव मैं उस परिवार को मदद करूंगा, जितना हो सके मैं परिवार को मदद करूंगा। किसकी जान गई है, कौन कौन है, किनके क्या क्या नाम है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। जैसे मुझे डिटेल मालूम चलेगा मैं आप सबको अवगत कराऊंगा। दिखाई पड़ रहा है, 2 से 3 तक अभी बॉडी देख पाए हैं और बॉडी अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, लाइट कम रहने के चलते। घायल कितने हैं ये और नहीं बता सकते। ट्रेन का हम बाइक से अपना जामताड़ा से आ रहे थे, ट्रेन जैसे रुकी देखे थोड़ा सा हो हल्ला हो रहा था, तो हम ब्रेक करके हमने पब्लिक को हेल्प करने के लिए दौड़ा।
लगभग कितना आदमी ट्रेन से उतरा होगा? जो ट्रेन यहाँ वो उतरा होगा कम से कम 200-300 आदमी लड़का उतरा हुआ था, बैग लेके, कोई ट्रॉली लेके, कोई बच्चा लेके, कोई बीबी लेके, मजदूर आदमी थे जो बिहार जा रहे थे। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। कुमार कुंदन, समझना ये चाहूंगा मैं आपसे कि क्या ये जो आंकड़ा है घायल लोगों का या जो कैजुअल्टीज हैं ये बढ़ सकता है, क्योंकि जो आई विटनेस है उनके अनुसार ये नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। देखिए निशांत, ये नंबर अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है एग्जैक्टली, लेकिन ये नंबर बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बात हो रही है पहली नजर में ऐसा देखने को लग रहा है कि ट्रेन में कोई र्यूमर हुआ, र्यूमर आग की बात हो रही है, और उसकी वजह से कई सारे लोग ट्रेन से कूद गए, उतर गए, और दूसरी तरफ से जो ट्रेन आ रही थी उस ट्रेन की चपेट में आने की वजह से लोगों की मौत हुई है। जामताड़ा के कमिश्नर ने इस बात का दावा किया है कि कोई मैसिव कैजुअलिटीज हुई है, नंबर अभी उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया है। रेलवे की तरफ से भी अभी तक कोई नंबर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके बाबत ये पता चल रहा है कि तकरीबन 12 लोगों की मौत हुई है। निशांत, कुमार कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।